आज कक्षा दसवीं विज्ञान विषय में हम अध्ययन करेंगे अध्याय तीन का पहला भाग धातु और अधातु। उसमें धातु और अधातु दोनों के बारे में पढ़ना है। हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो तत्व हैं वो दो भागों में बांटे हुए हैं, धातु अधातु और कुछ मिश्र धातु भी होते हैं। तो देखिए आप धातुएं सोडियम लोहा, आपने लोहे के चादर देखे हैं, तांबा देखा हुआ है, चांदी सोना और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब अधातु हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण जो हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। आपने देखा होगा सोने चांदी के जेवर होते हैं, लोहा होता है, जो नए चादर होते हैं कितने चमकदार होते हैं। और भी उदाहरण है दैनिक जीवन में, लोहा तांबा। उसके बाद अवस्था, दूसरा गुण है अवस्था। धातुएं अधिकतर कठोर होती हैं लेकिन कुछ धातु अपवाद हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये धातु नर्म होती हैं और हम इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लोहे को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। और एक धातु अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा या मरकरी, इसका संकेत है HG। तीसरा गुण है धातुओं का आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का अर्थ है कि हम उसको पीटकर पतला रूप बना सकें। आपने देखा लोहे के चादर बनते हैं, और सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी धातु हैं। इसका अगला गुण है तन्यता। तन्यता मतलब इनको हम खींच कर पतले तार के रूप में, हम इनके खींच खींच कर पतले तार बना सकते हैं, अर्थात इनमें खींचने की क्षमता जो होती है तो उसको बोलते हैं तन्यता। आपने लोहे के तार देखे हैं, सोने के तार देखे हैं, और 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु हैं ये। अगला गुण है ऊष्मा व विद्युत के सुचालक। सभी धातुएं अधिकतर ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें से ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। आपने देखा होगा कि तांबे के तार जो कि बिजली में, आप देखते हैं जब करंट विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। अगला भौतिक गुण है ध्वनिक। सभी धातुएं जब किसी भी कठोर सतह से या आपस में टकराती हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, इस आवाज को बोलते हैं ध्वनिक। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। ये आप कह सकते हो कि कुछ गुण धातु के विपरीत हैं। इन अधातु में कोई चमक नहीं होती है लेकिन एक अपवाद है आयोडीन, आई संकेत है इसका, ये चमकदार धातु है। और सभी अधातुएं जिनकी अवस्था या तो ठोस अवस्था में होती हैं या गैस अवस्था में होती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है ब्रोमीन जो कि पिघली हुई या द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में आघात वर्धनीता का गुण नहीं होता, अर्थात इनको हम पीटकर चादर नहीं बना सकते। इनको हम पीटेंगे तो ये पाउडर के रूप में बदल जाएंगे। आप कोयला है, कोयले का संकेत सी है, कार्बन, आप इसको पीटेंगे तो ये चादर नहीं बनेगा, ये पाउडर के रूप में बिखर जाएगा। इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। तन्यता मतलब तार खींचना, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक भी नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन कार्बन का एक अपवाद होता है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का क्या है सुचालक। ग्रेफाइट आपने देखा जो पेंसिल है इसका आप लिखने में उपयोग करते हैं, जो अंदर है लकड़ी के अंदर जो रहता है ग्रे कलर का, वो ग्रेफाइट ही है और ये विद्युत का क्या है सुचालक। इसमें अधातुओं में ध्वनिक कोई विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती। अभी हमने पढ़ा धातुओं के भौतिक गुण, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुएं की जब वायु से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके ऑक्साइड बनते हैं।
आप देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब है कि धातु से ऑक्सीजन जुड़ गई है। जहाँ भी ऑक्साइड आएगा उसका अर्थ होगा कि ऑक्सीजन का संयोग हो गया। देखिए तांबा Cu, कॉपर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। जब ऑक्सीजन से धातुएं क्रिया करती हैं तो सभी धातुएं एक तरह से क्रिया नहीं करती, कुछ धातुएं जल्दी क्रिया करती हैं, कुछ धीमे अभिक्रिया करती हैं, किसी को अभिक्रिया करने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन से सभी धातुओं की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पोटेशियम और सोडियम जो कि नरम धातु हैं, इनको आप वायुमंडल में सामान्य ताप पर ही खुला रख देंगे तो ये असामान्य ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को हमेशा खुले में नहीं रखते हैं, इनको हम हमेशा मिट्टी के तेल में भिगोकर रखते हैं। तो ये सामान्य ताप पर क्रिया करती हैं सोडियम और पोटेशियम। अब है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये वायु में धीरे धीरे क्रिया करती हैं और अपनी सतह पर एक ऑक्साइड की परत जमा उनके ऊपर जम जाती है। और जो लोहा है, लोहा ऑक्सीजन से ऐसे क्रिया नहीं करेगा, लेकिन जब हम लोहे के चूर्ण को, पाउडर को गर्म करते हैं तो ये तेजी के साथ चलने लगता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। तांबा, तांबे पर यदि हम इसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऑक्साइड की एक काली परत जम जाती है, कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर व सोना वायु के साथ भी ये क्रिया नहीं करते हैं, ये बहुत निष्क्रिय तत्व हैं और आसानी से वायु के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते। कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि उभयधर्मी, उभय का अर्थ होता है दोनों, जिनमें क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं और अम्ल से भी क्रिया करते हैं। तो ऐसे ये आया है आपके पाठ्य पुस्तक में उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल से भी क्रिया करेंगे और क्षारक से भी क्रिया करेंगे और लवण और जल देते हैं। आप लवण के बारे में पहले पढ़ चुके हो कि लवण ना एच धन आयन होते हैं ना OH ऋण आयन होते हैं। तो देखिए यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्ल से क्रिया कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में जल उत्पन्न हो रहा है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया कर रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और जल उत्पन्न हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की जल से क्रिया। जल का सूत्र आपको याद हो गया होगा H2O। सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं, कुछ धातुएं जल के साथ क्रिया विभिन्न स्थितियों में करती हैं अलग अलग, कोई गर्म जल से करता है, कोई ठंडे जल से करता है। आप देखेंगे यहाँ धातु जल, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है और ये धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड और अधिक जल से क्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। अब आप देखेंगे कौन सी धातुएं जल के साथ किस स्थिति में क्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये ठंडे जल से ही तेजी से क्रिया करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल से क्रिया करते हैं तो इनसे जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ये हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो धातु के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और तैर, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। फिर है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक पानी की भाप के साथ क्रिया करते हैं, मतलब इनको पानी से क्रिया नहीं करेंगे, पानी की भाप, पानी की भाप का सूत्र भी क्या लिखेंगे, H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल से क्रिया। अब आप धातु के बारे में भी जान रहे हैं, तनु अम्ल ये HCl और ये धातु आयरन
यहाँ पर भी लवण बनेगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। नाइट्रिक अम्ल भी धातुओं के साथ क्रिया करता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर H2 की जगह H2O बनता है। ये अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ अम्ल से संबंधित एक शब्द आएगा एक्वा रेजिया। दो अम्ल हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग इनको आपस में मिलाएं तो जो ताजा मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। इसकी विशेषता है कि यह सोने को, गोल्ड को गला सकता है। धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ क्रिया, लवण समझ गए ना, जैसे आयरन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जो धातुएं हैं ये भी लवण के साथ क्रिया करके क्या करते हैं कि एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है। अब कौन सी धातु किस धातु को हटाएगी, तो ये एक सक्रियता श्रेणी आप पढ़ेंगे आगे, कि जो प्रबल धातु है वो दुर्बल धातु को उस विलयन में से, उस लवण में से हटा देती है और उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। आप पूर्व में भी पढ़ चुके हो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिए, आयरन ने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, और कॉपर की जगह आयरन सल्फेट आ गया। इस प्रकार ये सक्रियता श्रेणी आप आगे देखेंगे कि जिसमें हम धातुओं को घटते हुए क्रम में रखेंगे, जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है वो ऊपर रहेगी, जो कम क्रियाशील है वो नीचे रहेगी, इसको अवरोही क्रम में हम रखते हैं। देखिए आप, ये सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद इनकी अभिक्रिया घटती जा रही है, ये मध्यम में आएंगी, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, पीवी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे इनकी क्रियाशीलता और कम होती चली